पंडित देवी लाल एक कुशल कथाकार थे जो न केवल अपनी शैली में पारंगत थे बल्कि संबंधित विषय में भी समान अधिकार रखते थे। पंडित देवी लाल ने अपनी यात्रा आरंभ संगीत से की और संगीत में प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता उस्ताद फैयाज खान के शागिर्द पंडित ओमकार लाल से प्राप्त की। फिर नृत्य में आपके गुरु रहे जयपुर घराने के सुविख्यात पंडित नारायण प्रसाद और गुरु पंडित सुंदर प्रसाद। अपने गुरु पंडित सुंदर प्रसाद के निधन के पश्चात उन्होंने श्रीराम भारतीय कला केंद्र में सिखाना आरंभ किया। साथ ही आपने अपने अनुज पंडित दुर्गा लाल जी को भी शिक्षा प्रदान की और दोनों भाई लाल बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हुए और समस्त विश्व में अपनी प्रस्तुतियों से रसिकों को मंत्रमुग्ध किया। एक कुशल कलाकार, संगीतकार और शिक्षक, देवी लाल जी तबले पर भी एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे। उनकी मृत्यु में कथक की दुनिया ने महान कलाकार को खो दिया। पंडित दुर्गा लाल असाधारण सौंदर्य और प्रतिभा के कलाकार थे जिनके प्रदर्शन में जयपुर घराने की संपूर्ण परंपरा ने एक समरूपता पाई और एक शिखर पर पहुंच गए। आपको कथक की बारीकियों में दीक्षित किया सुविख्यात पंडित सुंदर प्रसाद और बड़े भाई पंडित देवी लाल ने जिन्होंने अपने अनुज को नृत्य की श्रीमती गीतांजलि लाल की गणना अग्रणी कथक नृत्यांगनाएं की जाती है। आप एक दक्ष गायिका भी हैं और आगरा घराने के श्री रजनीकांत देसाई की सुपुत्री और शिष्या हैं। आपने जयपुर घराने की दैदीप्यमान एकल नृत्यांगना के रूप में अत्यधिक प्रशंसा पाई है। आप दूरदर्शन की उच्च श्रेणी की कलाकार हैं। आपने कथक केंद्र में कई मुख्य पदों पर कार्य किया जैसे वरिष्ठ गुरु, रेपर्टरी चीफ और निदेशिका। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित दुर्गा लाल जी के बारे में, उनके डांस के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल की बात है क्योंकि उनका नृत्य अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी कथक की। और जब वो स्टेज पर आते थे, एक जो खास बात उनके डांस की थी कि आखिर तक एंट्री से लेकर एग्जिट तक उनकी डांस की परफॉर्मेंस की एनर्जी बराबर एक जैसी रहती। और बहुत कम आपने देखा होगा कि जब डांसर स्टेज पे हो कि वो तबले वाला को भी बजवाए, सारंगी वादक को भी सोनू बजवाए, जो गा रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से चांस दे। बड़ी अच्छी बात थी कि मैं उस ग्रुप में सबसे छोटा था और मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि मेरे को उनके साथ से काम करने का मौका मिला और मैंने जितने भी कॉन्सर्ट उनके बजाए, भगवान की कृपा से सब लोगों ने प्यार किया, उनका हमेशा सहयोग रहा। गुरु अभिमन्यु लाल गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल के सुपुत्र एवं शिष्य हैं और समकालीन नृत्य जगत के जाने माने